देखिए जी दोस्तों, यहाँ पर हो रही है पिज़्ज़ा बनने की तैयारी और सलाम मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। और जी कल मैं सौदे में लेके आई थी जो मोज़रेला चीज़, और यहाँ पर बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, और वो भी तवे के ऊपर। नॉन स्टिक पैन है जी ये मेरा, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी पैन पिज़्ज़ा। अच्छा जी, और अब ये जाएगा पकने के लिए थोड़ी देर, तकरीबन 10 मिनट। तो मैं इसको बिल्कुल स्लो आँच पर जो है वो पकाऊँगी, और फिर ये हो जाएगी, हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा रेडी पैन पिज़्ज़ा। देखा जी, बेहतरीन सा हमारा पैन पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है दोस्तों। मैं सब इसको भिजवाने लगी हूँ सिस्टर के घर। यहाँ अपने लिए भी बना रही हूँ, अपने घर के लिए। ये देखें जी, इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया, बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार बना, और ये जा रहा है जी मेरी बहन के घर। देखिए दोस्तों, ये मैंने शाम की चाय के साथ खाने के लिए बनाया है, चॉकलेट फ्लेवर में प्लेन केक है ये, और थोड़े वॉलनट्स इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे बेकिंग के दौरान। सर्दियाँ आ रही हैं तो घर में नट्स आए हुए थे, तो मैंने थोड़े वॉलनट्स भी इस पर लगा दिए। तो जो बस अब इसको जो है शाम की चाय के साथ खाने लगी हूँ मैं। और ये बन रही है जी हमारी शाम की चाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। अच्छा जी, आज है थर्सडे, और आज बना है जी खाने में हमारे घर में ये दाल है जी, मूंग मसूर चने की दाल, जो मिला के हम बनाते हैं बहुत ही बेसिक मसालों से, बिल्कुल सिंपल वाली दाल, और ये बिल्कुल रेडी है। इस पर तड़का भी जो है वो मैंने लगा लिया है जी। बन रही है भिंडी की भुजिया, जो कि मेरी अम्मी ने बनाई है, ये भी तकरीबन रेडी ही है।